इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे टॉप 25 की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मॉल में जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बीएमसी ने कहा है कि वो मुंबई में सभी मॉल में कोरोना वायरस टेस्ट के सैंपल लेने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। यूपी की योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। राज्य सरकार ने 4 साल में किए गए काम और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े इंतजाम किए। 4 साल की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आज से 26 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई मुहिम चला रही है। सीबीआई आज राज्यों के सतर्कता विभागों के साथ मिलकर 10 राज्यों में ज्वाइंट सरप्राइज चेकिंग अभियान चला रही है। गुजरात के वडोदरा जिले में एक चौंका देने वाली घटना हुई। यहां एक पुरुष और महिला ने एक साथ कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उन्होंने पहले जहर खाया और फिर पेड़ पर फंदा डालकर लटक गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से फटी जींस पर दिए बयान पर बवाल मचने के बाद उनकी पत्नी रश्मि बचाव में उतर आई हैं। रश्मि ने कहा कि मुख्यमंत्री की बात पूरे संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की जा रही है। एक वीडियो के जरिए अपने बयान में रश्मि ने कहा कि मुख्यमंत्री रावत ने जिस पूरे संदर्भ में यह बात कही उसका वर्णन नहीं किया जा रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान चरम पर है। इस बीच खबर आई है कि बीजेपी बंगाल में 21 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में घोषणा पत्र जारी करेंगे। बिहार के पूर्णिया जिले में अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर इतने सक्रिय हैं कि डंडे के बल पर भी सफाई करवाने के लिए गुरेज नहीं करते। ताजा मामला जिले के बीडीओ कार्यालय का है, जहां गुरुवार को बीडीओ ने थूक फेंकने के आरोप में छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर डंडे के बल पर पहले से गंदी दीवार को साफ कराया। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर्व के अवसर पर कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली से बरौनी, आनंद विहार टर्मिनल से गया, आनंद विहार टर्मिनल से पटना और आनंद विहार टर्मिनल से जोगनबनी स्टेशन के लिए 4 जोड़ी सुपर फास्ट होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। लखनऊ में एक महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला ने अपने पति पर धन परिवर्तन के दबाव बनाने का आरोप लगाया। साथ ही महिला ने कहा कि उसके बच्चों समेत घर में बंद कर पति ने बाहर से आग लगा दी थी और फरार हो गया था। यूपी के बरेली जिले में मानवता को झकझोर कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया, जहां घायल दंपति की मदद की जगह लोग वीडियो बनाते रहे। किसी ने गंभीर दुर्घटना में लहूलुहान दंपति की मदद कर अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं समझी। हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। बिहार के वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक 70 साल के व्यक्ति पर 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पड़ोस का बुजुर्ग उसे किसी बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा करते हुए 2 लड़कियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया है। पुलिस अब इस सेक्स रैकेट की करतूतों और नेटवर्क की छानबीन कर रही है। लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को इस केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की संलिप्तता के क्लू मिल गए हैं। अजीत सिंह की हत्या के दौरान शूटआउट में घायल शूटर राजेश का उपचार कराने वाले शिवेंद्र उर्फ अंकुर ने कई राज उगले हैं। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद गुरुवार को पहली बार चीन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें दोनों देशों के अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि ट्रंप के वक्त में चीन और अमेरिका के रिश्ते जैसे थे उससे भी खराब बाइडेन की सरकार में होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फ्रांस के प्रधानमंत्री ने पेरिस सहित देश के 16 रीजन में 1 महीने के लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान स्कूल और विश्वविद्यालय खुले रहेंगे, सभी जरूरी सामान की दुकानें भी खुली रहेंगी। अंबानी विस्फोटक मामले को लेकर महाराष्ट्र में घमासान लगातार जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पद से हटाया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए ऐश्वर्या ने अपने पिता कृष्णराज राय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। गुरुवार को शेयर किए गए पोस्ट पर ऐश्वर्या ने बेहद भावुक कर देने वाली बात लिखी। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में सोनम के बाल पर्पल कलर से रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोनम ने इंस्टाग्राम फिल्टर लगा रखा था। सोनम की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो डांस करते हुए नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार शाम पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मथुरा पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए कमर कस लेने को कहा। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान शुक्रवार को हो गया है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की।
नोएडा में ईसीएल की ओर से गुरुवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन धारा 144 लगे होने की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायती चिट्ठी मिलने के बाद प्रयागराज के आईजी ने रेंज के सभी 4 जिलों में सुबह की अजान समेत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अनु के अलावा 3 पदाधिकारियों को भी सजा सुनाई है। टॉप 25 में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।